देखो देखो इसमें क्या गिवन है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एंड नॉट 90 विद मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल हेलिक्स में मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है? तो हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिया, ले रही है v cos थीटा और v sin थीटा। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अगर ये v cos थीटा कुछ ना होता, सिर्फ v sin थीटा होता, तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है कंपोनेंट? 90। तो v sin थीटा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 90 डिग्री बनाएगी b के साथ, तो पार्टिकल किस में मूव करेगा? इन अ सर्कल। क्योंकि अभी पिछला रिजल्ट ही हमने किया जिसमें ये डिस्कस किया कि अगर वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पार्टिकल ने अगर एंगल 90 बना लिया ना, तो पार्टिकल किस में मूव करेगा? इन अ सर्कल, सर्कल में घूमता जाएगा। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड ना ले, इसकी जगह वी साइन थीटा ले, तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगी जो कि बी के साथ एंगल क्या बना रही है? 90। तो जो भी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट बी के साथ एंगल 90 बनाएगा, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा पार्टिकल को किस में घुमाने के लिए? इन अ सर्कल। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, वी साइन थीटा कंपोनेंट बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो वी साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को किस में घुमाने के लिए? इन अ सर्कल। तो v sin थीटा पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा और v cos थीटा क्या करेगा? उसे आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। तो पार्टिकल सर्कल में भी घूमेगा बिकॉज ऑफ v sin थीटा, और पार्टिकल साथ के साथ आगे भी जाएगा, इसलिए ये क्या कवर करेगा? हेलिक्स। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर v वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए, v साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है b के साथ, वो उसको सर्कल में घुमाता है हमेशा। तो एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा या मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल इज बिटवीन v एंड b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एंगल थीटा तो 90 नहीं है, तो बी क्यू बी साइन थीटा, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई, और ये क्या प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल को? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहां पर वी नहीं, कौन सी वेलोसिटी सर्कल में घुमा रही है? वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा स्क्वायर बाई आर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपने जो एम वी स्क्वायर बाय आर में वेलोसिटी लेनी है, वो v और b, जो b के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए, बस वही लेनी है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है सर्कल में घुमाने के लिए? v साइन थीटा। तो आपने एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं लेना, एम वी साइन थीटा। तो इसमें हर चीज v नहीं कर रही, इसमें v साइन थीटा कर रहा है। अच्छा इमेजिन कर लो, अगर थीटा 90 होता, देखो अगर थीटा 90 होता तो v cos 90 क्या हो जाता? जीरो। तो पार्टिकल आगे जाना बंद हो जाता, और v sin थीटा में थीटा 90 पुट करो तो क्या आएगा? v। तो v पार्टिकल v वेलोसिटी और b में एंगल 90 हो जाएगा, पार्टिकल खड़ा खड़ा सर्कल में ही घूमेगा, आगे जाना बंद कर देगा, पिछला केस हो जाएगा। और यहां पर भी आप क्या करोगे? sin 90, sin 90 क्या हो जाएगा? 1। तो आप क्या यूज करोगे? mv स्क्वायर बाय। तो पिछला केस जो हमने किया वो इसका स्पेशल केस है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है यहां तक? पर यहां पर v नहीं यूज करना है, यहां पर b के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, उसको यूज करना है। तो ये स्टेप क्लियर है? तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करती है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, तो यहां से r की वैल्यू आ गई mv sin थीटा / bq।
अब सोचो अगर थीटा 90 होता तो वी बी के साथ 90 डिग्री पे होता तो साइन 90 क्या होता, 1, तो वही आंसर आ जाता है एम वी बाय बी क्यू। बॉक्स में डालो, ऐसे फॉर्मूला याद करो रेडियस का, इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इन अ हेलिक्स का फॉर्मूला एम वी बाय बी क्यू नहीं होता, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू होता है। ठीक है यहां तक? तो आप इसमें चेक कर सकते हो, जब ये 90 डिग्री पे थी वेलोसिटी तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था याद, एम वी बाय बी क्यू। हेलिक्स में मैंने क्या करवाया, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। दोनों में फर्क है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो रेडियस तो आ गया। नॉर्मली सर्कुलर मोशन में अगर याद हो तो हम पुट करते थे वी इज आर ओमेगा, क्योंकि सर्कल में बॉडी किस वेलोसिटी से घूमती थी, वी। इसमें वी के साथ नहीं घूम रही, इसमें वी साइन थीटा के साथ घूम रही है, तो यहां पर वी इज आर ओमेगा नहीं, वी साइन थीटा इज आर ओमेगा, क्योंकि वी साइन थीटा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए। कोई डाउट इसमें? तो पार्टिकल को सर्कल में वी साइन थीटा घुमाएगी, तो इसलिए वी साइन थीटा इज आर ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, वी साइन थीटा बाय आर। आर की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दें, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाय 2 पाई। इस ओमेगा को उठा के यहां पे पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गई, और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 पाई एम बाय बी क्यू। अगर आप कंपेयर कर लो ऊपर वाले रिजल्ट से, तो टाइम पीरियड जब वेलोसिटी और बीम एंगल 90 था और पार्टिकल खड़ा खड़ा सर्कल में घूम रहा था, तो टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम बाय बी क्यू। हेलिक्स के अंदर जब सर्कल बनाता है तो भी टाइम पीरियड क्या आता है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं है, रेडियस में साइन थीटा का फर्क है। डिफरेंस समझ में आ रहे हैं यहां तक? न्यूमेरिकल में लगाएंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है यहां तक? तो वापस आ जाते हैं नेक्स्ट है पिच। पिच का मतलब है कि कोई पार्टिकल जब सर्कल में हेलिक्स में मूव करता है, तो मान लो यहां से चला एक्सिस पे, तो वो यहां पे वापस नहीं आएगा सर्कल के बाद, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, हेलिक्स है ना, आगे जाएगा। तो यहां से जाके यहां पे आया, तो एक चक्कर में कैपिटल टी टाइम में उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वो पिच है। तो पिच कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो किस एक्सिस पे काम होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी, वी कॉस थीटा, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है एक्स एक्सिस में पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, तो आंसर क्या होगा, वी कॉस थीटा। तो आप एक्स एक्सिस में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो पिच का फॉर्मूला आएगा वी कॉस थीटा, और एक टाइम पीरियड, एक चक्कर के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं टी, तो कैपिटल टी आएगा 2 पाई एम बाई बी क्यू, ये पिच का फॉर्मूला आ गया। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने आपकी हैंड रिटन शीट के अंदर पिच का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बाई बी क्यू। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट केस, तीन केस क्लियर है। नेक्स्ट केस है, ये थ्योरेटिकल केस है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, इसमें वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि सेम केस है कि अगर वी में और बी में एंगल क्या हो, थीटा। सबको पता है पार्टिकल किस में मूव करेगा, इन हेलिक्स, 90 पे सर्कल, 90 ना हो तो हेलिक्स। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन वी, क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वी साइन थीटा के अलोंग है ही नहीं। वी कॉस थीटा को फर्क पड़ेगा, वी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, अब वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन जनरेट कर देगी। इस केस में बनेगा तो हेलिक्स, पर अब कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं बनेगा, अब शुरू में स्पीड कम होगी और फिर ज्यादा होती जाएगी, यानी कि पिच स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि वो तेज 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 चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरू में पिच छोटी होगी, बाद में पिच बढ़ती जाएगी, बिकॉज स्पीड पार्टिकल की बढ़ती जा रही है, तो पिच विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो यही फर्क है और कोई फर्क नहीं, इसका मैथमेटिकल कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, बस जो क्वेश्चन में तब देखेंगे।
नेक्स्ट केस नंबर 5 हमने नहीं करना, नॉट इन सिलेबस लिख लो अगर लिखना है, एनसीईआरटी एंड मेंस एंड नीट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एडवांस में आएगा, किसी को चाहिए होगा तो मेरे से प्रिंट आउट ले जाएगा, देख लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। वैसे रिजल्ट ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है ई एंड बी 90 डिग्री पे, और चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऊपर मूव करेगा, लेकिन वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन इस तरीके से चेंज करेगा, इस फिगर को साइक्लॉइड बोलते हैं। प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत लंबा प्रूफ है, नॉट रिक्वायर्ड है बिल्कुल भी, 2.5 पेज का प्रूफ है और बहुत ज्यादा कैलकुलस भी इन्वॉल्व है, नहीं चाहिए। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये केस हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए भी हमारा चार्ज पार्टिकल सीधा अनडिफ्लेक्टेड सीधा आ जाए, तो ऐसे केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय बी होगी। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ये केस हमने कर लिए, कोई डाउट इसमें? ठीक, केस और भी हैं, और केस करने के लिए